वह चांद थी और चांद ही रहेगी। हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ बीमू और आप सभी को हमारे नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग आज करने वाले हैं गंगूबाई लुक रिक्रिएट। और आज फिर से भाभी जी नहीं आई, भाभी जी का तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो हम सोचे कितने दिन वेट करेंगे भाभी जी का, है ना। तो हम दोनों होशियार चंद है ना, मेकअप करने वाले हैं आज गंगूबाई रिक्रिएट, मतलब गंगूबाई लुक रिक्रिएट, ठीक है। तो अभी सारे कुछ हो गया, हमने नहा धो लिए, सारे कुछ कर लिए हैं और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। देखिए खाने में क्या है, सुहाना खा रहे हैं घी, दाल चावल घी सुहाना खा रही है। और हम लोग खा रहे हैं दाल चावल बैंगन का सब्जी, यहाँ पे है भुजिया, भिंडी और आलू का भुजिया और पापड़। फ्रेंड्स, हम लोग खाना खा के मिलते हैं गंगूबाई लुक क्रिएट करने टाइम पे, ठीक है। सो है फ्रेंड्स, देखिए नीचे का लुक हमने मतलब कर लिया है, मतलब जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हम लोग मेकअप करते हैं गंगूबाई लुक रिक्रिएट, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी फेस धो के आ गए, फेस सूख भी गया है, तो इसमें अभी सबसे पहले लगाते हैं क्या है ये मॉइस्चराइजर लगा के फिर मिलते हैं। देखते देखते अभी लुक बदलने वाली है। अभी फर्स्ट में देखिए ऐसी लग रही हूँ, मेकअप करने के बाद देखते हैं कैसे रहे। फर्स्ट टाइम अभी हम लोग कर रहे हैं, इनको भी नहीं पता है किस तरह से मेकअप करते हैं, हमको भी नहीं पता है, बस हम लोग किए जा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। सो हम दोनों साथ साथ में रेडी होने वाले हैं, इसलिए इनको भी बोली मैं कि आप ही मतलब गंगूबाई रिक्रिएट कर लो। तो ये बोले कि नहीं करेंगे, है ना, कैरेक्टर अच्छा नहीं लगा तो नहीं करेंगे, और सामान भी नहीं हमारे पास उतना, है ना। मैं ही खुद जुगाड़ लगा के कर रही हूँ, ये जो है इसका ही है और दुपट्टा भी ये इसका है, और मेकअप हम दोनों साथ साथ में करेंगे सारे कुछ। बस गंगूबाई वाले लुक मैं करूँगी, जो यहाँ पे ये होता है वो, और बारह वाला बिंदी ये, बाकी सारे कुछ हम साथ में करेंगे, हाँ। और उसके बाद हम रील्स बनाएंगे, जो रील्स आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे देखिएगा। तो अभी मेरा मॉइस्चराइज हो गया, अभी ये मॉइस्चराइज कर रहे हैं, उसके बाद हम प्राइमर लगाएंगे, तो फिर मिलते हैं। अभी दोनों लगा लिए हैं, क्या लगाए, मॉइस्चराइजर, अभी लगा रहे हैं प्राइमर लगा लिए, उसके बाद अभी लिप बाम लगा के कुछ देर छोड़ देते, तब तक एब्जॉर्ब भी होगा ना, उसके बाद लिपस्टिक लगाएंगे। सो अभी लिप बाम को एब्जॉर्ब होने देते, तब क्या है उसके बाद क्या लगाना है, हाँ बीबी क्रीम, अब लगाते हैं बीबी क्रीम, चलो स्टार्ट। उस दिन मेकअप किए थे तो यहाँ पे नहीं लगाए थे नेक पे, तो एक कमेंट आया था कि नेक पे भी लगाना पड़ता है, तो आज हम नेक पे भी लगा रहे हैं। अभी एक ही ब्लेंडर है तो बारी बारी से दोनों जन करेंगे ना। सो अभी मेरा ये बीबी क्रीम जो है एब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ा देर छोड़ देते हैं, अभी सरस्वती माता जी लगा रही है, फिर मिलते हैं हम दोनों जन लगा के। नाउ अभी हम लोग कर रहे हैं कंसीलर, और कंसीलर मुझे नहीं करना आएगा शायद, तो इसलिए सरस्वती मुझे कर रही है। उसमें वो वाले भी है जो हम देखे थे, हम लोग ना यूट्यूब में से दूसरे तीसरे वीडियो देख देख के कर रहे हैं हम लोग करने के बाद मिलते हैं, ठीक है, दोनों जब कर लेंगे तब मिलते हैं। कंसीलर, सो देखिए अभी कंसीलर हम दोनों कर लिए, अब इसके बाद क्या करना है, पाउडर लगाना है ना, तो इसके बाद पाउडर लगाते हैं, पाउडर लगा के फिर मिलते हैं। सारे कुछ तो आप लोगों को दिखाई दिए थे जिस दिन खरीद के लाए थे ना, कि क्या क्या है हमारे पास। इससे फर्स्ट टाइम ये कर रही हूँ, मतलब जब कभी भी वीडियो में या मतलब मूवी वगैरह में देखती थी तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता था ये करते हुए, ये कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है ना, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा करते हुए। ये पाउडर लगा लिए, अब इसके बाद लगाते हैं ये हाइलाइटर। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हम दोनों का तो हम दोनों फर्स्ट टाइम अभी यहाँ पे और कहाँ पे, टी जोन पे और यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अभी करने के बाद मिलते हैं। नोज शार्पर लग रहा है क्या, मेरा चिक बोन है ही नहीं। तो अभी हाइलाइटर कर लिए है, अब इसके बाद करते हैं आई मेकअप ना, कंघ ही पता नहीं इसे क्या करते हैं, हमको जो आ रहा है वो कर रहे हैं। तो अभी इस पे लगाते हैं इस पे और नीचे इसे, तो अभी यहाँ पे और यहाँ पे कंसीलर लगाते हैं, सेपरेट करते हैं थोड़ा सा। तो अभी इस पे लगा रहे हैं ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर ही लगाए ना। तो अभी यहाँ पे देखिए ये लगा लिए है, अब इस पे क्या करते हैं, पतला सा आईलाइनर लगा लेते हैं, उसके बाद डार्क सा काजल लगाना है ना। अभी पतला सा आईलाइनर लगा लिए हैं, अभी आप लगा लीजिए मोटा सा, अब मैं काजल लगाती हूँ मोटा वाला, आप पहले ये लगा लीजिए आईलाइनर। और ये काजल लगाने से पहले इसको मतलब कर्ल करते हैं ना, मस्कारा लगाते हैं और मोटा सा यहाँ पे काजल, फिर मिलते हैं। गंगूबाई चांद थी और चांद ही रहेगी।
ये वाला काजल फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं लाइफ में ना, आप भी फर्स्ट टाइम लगाई थी ना। मोटा करना है ना, लगा के मिलते हैं। तो अभी रह गया लिपस्टिक और बिंदी, तो लिपस्टिक और बिंदी लगाते हैं। तो लिपस्टिक है जो एक लुक में है वो वाला है ना, न्यूड वाले लिपस्टिक, तो वो लगाते हैं। और उसके बाद जब चोटी करेंगे तो उसमें लगाएंगे डार्क लिपस्टिक, ठीक है। तो अभी ये न्यूड वाले लिपस्टिक और बिंदी लगा के मिलते हैं आप लोगों से। मैं तो बहुत ही बुरी दिखने वाली हूँ जब मैं ये बीच के लाइनिंग करूँगी। सो अभी मेकअप हो गया, ये सारे कुछ रेडी हो गया है, लेकिन बत्ती गुल हो गया, वाईफाई कट गया फ़ोन का, तो कहाँ से हम रील्स बनाए। अभी सिर्फ पल्लू लेना है और सारे रील्स बनाने हैं। आप लोगों को रील्स देखना है तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, वहाँ पे हमने सारे रील्स बना के डाले हैं। चूड़ी और इयररिंग्स रह गया, तो चूड़ी और इयररिंग्स भी पहन लेते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट सारे कुछ हो गया है ना। ये चूड़ी पहने थे लेकिन ये चूड़ी यहाँ पे देखिए फूट गया है, तो इसको अभी चेंज करते हैं। और यहाँ पे ये बाला बनाना है, किस साइड में लगा है देखना है, उसके बाद हम ये करेंगे। स्टार जैसा है ना, वहाँ पे प्लस का साइन जैसा है ना, प्लस है। चूड़ियाँ भी मैचिंग मैचिंग नहीं हुआ, लेकिन जैसा ये ठीक है ना, मतलब मिक्सिंग। गंगूबाई ने भी पहना है, मिक्सिंग हमने भी पहन लिए। तो यहाँ पे वाइट वाइट टाइप का है लेकिन हमारा येलो है, चलेगा। और अभी तक बत्ती नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करेंगे। ये है गजरा, इसको हम पहले माला में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इसको गजरा में, मतलब क्या बोलते हैं इसको, गजरा, हाँ गजरा में, बाल में इस्तेमाल करेंगे। और इयररिंग्स भी नहीं खरीदे ना, तो ये देखिए इसी टाइप का वाइट टाइप का ये टॉप वाला इयररिंग्स सरस्वती के पास थी, तो हम यही पहन रहे हैं अभी फ़िलहाल। उन्होंने तो दो तीन रंग के पहने हैं ना, अलग अलग डायलॉग्स में अलग अलग है, तो हम यही से काम चलाएंगे, यही पहनेंगे ना। तभी ये पहन के दिखाते कि कैसा लगता है। तो नाउ आई बिकेम ऑलमोस्ट मटकी गंगूबाई। देखिए ये वाले इयररिंग्स, और अभी क्या रह गया ये ना, ये नाक में भी, मतलब हम दोनों, मैं और सरस्वती ना, बाजार पर बहुत ढूँढे कि मतलब इतना बड़ा वाला मिले, लेकिन नहीं मिला ना। तो ये देखिए पतला वाला ही है, जो कि मतलब दिख ही नहीं रहा, बुझ ही नहीं रहा कि ये हमने लगाए हैं, लेकिन इसी से हम काम चलाएंगे, ये लिए हैं। और ये जो बिंदी खरीदे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब पैसा वेस्ट किए हैं, क्योंकि पता है हम लिपस्टिक से भी कर सकते थे ना, सिंदूर से भी कर सकते थे, लिक्विड वाले सिंदूर से, लेकिन ले लिए तो अब ले लिए। इस साइड लेफ्ट साइड में है, हाँ लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर हम करते हैं प्लस। देखिए ये प्लस भी बना लिए हैं, लेकिन मतलब दिख नहीं रहा ना, डार्क नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा और डार्क करें क्या। तो देखिए हो गया, गंगूबाई चांद थी और चांद ही रहेगी। सारे रील्स अभी बनाएंगे, पहले बत्ती तो आ जाए। अभी यहाँ पे हाथ को कलर करते हैं। नमस्ते, हाफ गंगूबाई मैं हूँ और हाफ ये है, दुपट्टा लेके बैठी है। यहाँ पे इसको गड्ढा करने के लिए ये लगा रहे हैं, देखिए मुझे बहुत नींद आ रहा है, सो जाओ जाके। तो अभी हैंड को कलर कर लिया है, देखिए नमस्ते, इसको हटाओ है, तो इसको ऊपर से ये कवर को हटा देते हैं, इससे वाइट लगेगा। हाँ अभी लग रहा है पूरा वाइट। नमस्ते, अभी चलते हैं रील्स बनाने के लिए। हाँ तो ये हो गया गंगूबाई का लुक क्रिएट, और एक दो डायलॉग्स आप लोगों को यहीं पर हम मतलब बजा के कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो अभी चलते हैं फिलहाल रूम में, क्योंकि बत्ती आ गया है, तो वहीं पे चलते हैं, सारे कुछ वहीं पे करेंगे। हाँ लग रही हो ना गंगूबाई की तरह, एक नमस्ते वाले फ़ोटो लेते हैं। हाँ हो गए क्या, आ जाओ फोटो खींचो एक। ये अभी हम रेडी हो गए हैं, और जितना भी ये मेकअप है पहले इसको हम रख लेते हैं ना, उसके बाद हम रील्स और फोटो खींचेंगे, ठीक है। एक दो रील्स आप लोगों को यहाँ पे भी दिखाएंगे। हाँ सारे कुछ हो गया है, बस सरस्वती बोल रही थी कि गंगूबाई सिंदूर नहीं लगाई है, तो हम तो सिंदूर लगाएंगे ना, हम तो सुहागन है, हम क्यों नहीं लगाएंगे। अभी हो गया, अभी पहले ये लुक क्रिएट किए हैं, क्योंकि हमको पहले नमस्ते वाले वो करना है, मतलब फोटो क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद जो चोटी बनाए हैं ऐसे, तो वो चोटी बनाएंगे पहले। अभी ये वाले फोटो लेते हैं, ठीक है। अभी ये वाले फोटो खींच लिए, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देखिए। और अभी आगे करते हैं, रील्स वील्स बनाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अभी ये ओपन हेयर वाला हमने ये जो लुक है वो क्रिएट कर लिए हैं ना, और अभी हम लोग ये ओपन हेयर वाला पहले रील्स बना लेते हैं, आप लोग वो इंस्टाग्राम पे देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जब चोटी बनाएंगे तो फिर मिलते हैं। अभी एक दो रील्स बना लिए हैं ये ओपन हेयर में, अभी बाल को बनाते हैं और ये दुपट्टा लगाते हैं ना, साड़ी बनाते हैं इसको, तो अभी ये बना के मिलते हैं। देखिए अभी ये वाले लुक क्रिएट किए हैं, देखिए यहाँ पे वो वाले जो डायलॉग है, माँ का नाम गंगूबाई है ना,
तो ये मैं आई थिंक इसी वाले डायलॉग मतलब यही वाले लुक है, तो कैसा लग रहा है, कितना सिमिलर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये वाले डायलॉग आप लोगों को मतलब अभी हम यहीं पे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए और आप लोग कमेंट करिएगा कि कितना सही हुआ और कितना गलत। ठीक है, आ जाओ आप डायलॉग लेके। 3 2 1 लिखो माँ का नाम गंगूबाई। बाप का नाम क्या लिखे? माँ का नाम काफी नहीं है ना, चलो बाप का नाम देवानंद। तो अभी ये वाला भी हो गया है ना, तो बाकी कैसा लगा ये ओरिजिनल वाले आप लोगों को देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे आ जाइए। ठीक है, वहाँ पे देखिएगा। और ये जो लुक है वो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक दो रील्स मैं बीमो ऑफिशियल चैनल पे भी डाल दूंगी, तो वहाँ पे भी आप लोग जाके देख सकते हो। बाकी बीमो ऑफिशियल चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो यहाँ से जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए। बीमो ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे अच्छे अच्छे से रील्स देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कुछ रील्स यहाँ पे प्ले करके दिखा देते हैं, और बाकी जो डायलॉग है वो नहीं प्ले कर सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा ना। तो यहाँ पे बिना म्यूजिक के आप लोग देखिए, है ना, और जो भी म्यूजिक के साथ देखना हो तो वो इंस्टाग्राम पे देखिए ना, और बीमो ऑफिशियल चैनल पे। तो अभी ये वाले लुक भी हो गया और हेयर ओपन वाले भी हो गया, और अभी हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं कौन सा, चोटी वाले। तो चोटी में उतना बड़ा मतलब ये बाल तो नहीं है मेरे, लेकिन फिर भी जितना बड़ा ही हो हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, और देखिए अभी लिपस्टिक भी चेंज कर लिए हैं, मतलब लिपस्टिक था पहले वो वाले ना न्यूड कलर, अभी लगा लिए ये डार्क मरून। फाइनल लुक एक बार आप लोगों को दिखाते हैं, हुआ कि नहीं बताओ। देखिए अभी ये टी शर्ट को ब्लाउज बनाए हैं, और ये टी शर्ट में इस तरह से डिजाइन है, तो इसको हमने इस तरह से कवर कर लिए ना। ये भी हो गया, अभी हम एक फोटो क्लिक कर लेते हैं जो थंबनेल पे लगाएंगे, आप लोग थंबनेल पे देखिएगा। तो इसमें देखिए ये चप्पल पहनी है गंगूबाई, तो ये चप्पल भी हम पहनते हैं और कुर्सी पे अपना पैर रखते हैं, और इसी एटीट्यूड में हम फोटो लेते हैं। ठीक है, देखिए ये था, ये है हमारे फाइनल लुक गंगूबाई का, जिसे हमने इतना सारा रील्स बनाए। बाकी रील्स में पता नहीं चलता है कि हमने ये जो है लहंगा टाइप का कुछ पहना है ना, रील्स में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। आप लोग देखोगे इंस्टाग्राम पे या बीमो ऑफिशियल चैनल पे तो आप लोगों को पता चलेगा, रील्स में मतलब बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने नीचे ये पहना है। देखिए देखिए नीचे हमने ये पहना है, आप लोग को जो दिखाए थे ये, तो ये व्हाइट कलर का ही है। बाकी ये ऊपर में जो है रील्स बनाते टाइम ये जो है ऊपर का ये नेट जिसमें ब्लैक कलर का ये बूटा बना है, इसको उठा के नीचे से जो ये है व्हाइट यही दिखने दिया है, तो इसलिए नहीं पता चलता है कि हमने साड़ी पहना है कि कुछ लहंगा वहंगा। और ये जो हमारे टी शर्ट है इसको भी हमने फोल्ड करके देखिए ऐसे 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 यहाँ पे होल है, तो ये होल को हमने ऐसे करके कवर कर दिए थे, ऐसे करके कवर कर दिए थे और इसको ब्लाउज बना लिए थे। तो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। तो अभी हमने सारे कुछ कर लिए, फोटो वोटो भी खींच लिए सारे कुछ, और जो रील्स वगैरह है वो सारे आप लोग मतलब बहुत सारे बना लिए है ना, बहुत सारे बना लिए, तो वो आप लोग इंस्टाग्राम पे देखिए जाके, और बीमो ऑफिशियल चैनल पे एक दो डाल दूंगी तो वहाँ पे जाके देखिए, और भी देखते हैं जाके वहाँ पे कुछ अगर छूट गया हो तो वो भी हम बना लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को ये मेरा गंगूबाई का लुक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, हम मिलेंगे अगले वीडियो में होली वाले में, है ना, कल हम होली वाले शूट करेंगे क्योंकि आज बहुत ही लेट हो गया। सरस्वती माता जी सोच के आई थी कि आज ही हम मतलब शूट करेंगे, मैं भी सोची थी कि आज ही शूट करेंगे लेकिन नहीं हो पाया। मैं नहीं सोची थी, मुझे पता था आज नहीं हो पाएगा। पता था, मुझे लगा था कि मतलब हम गंगूबाई लुक क्रिएट कर लेंगे, वीडियो वीडियो बना लेंगे, उसके बाद हम मतलब होली वाले करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो कोई ना, आज मतलब नहीं हो पाया, आज हम अभी चलते हैं मार्केट, कल हम शूट कर लेंगे होली वाले, है ना। तो कल मिलेंगे हम होली वाले वीडियो में, होली वाले ब्लॉग में, तो वो भी आप लोग देखिएगा, कल का ब्लॉग मिस मत करिएगा। ठीक है, और ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है ना, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी मैं गंगूबाई के लुक में कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सारे लोग के कमेंट के मैं इंतजार करूंगी, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें राय प्यार के, फिर मिलेंगे, चलते चलते लव यू ऑल।